गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मोनिश कैनोलिया। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा। सो इन दिस चैप्टर टिल नाउ वी हैव स्टडीड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस and what is the Cold War. So we are going to start today the emergence of two power blocks. So which were the two power blocks? On western side it was United States of America, which was following what? Capitalism. Whereas on eastern side, there was Russia with different countries named as USSR, which was following communism. Okay, so there were two ideologies in the whole world, it was prevailing. So we come to the topic, the emergence of two power blocks. So these two power blocks emerged as a superpowers. So we will go through the line by line the two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of world. Like on western side, those countries, USA was connected, and those countries which were nearby USA, USA उन countries को अपने side करता जा रहा था, and it was involving on their side. On other side, on eastern side, USSR, including Russia, धीरे धीरे जो जो eastern sides में था, जो countries उनके साथ थी, जो countries उनके आसपास थी, it was including all those countries on their part. So in a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of other superpowers and its allies. So USA ye chah raha tha ki eastern side Russia जो USSR रन कर रहा था उसका इन्फ्लुएंस और कंट्रीज पे कम रहे और USA का ज़्यादा रहे. वेयर एज सेम USSR वॉज ट्राइंग कि उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहे और कंट्रीज पे, और USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम रहे. सो द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एलियंसेस use the link to the superpowers for their own purposes. They got the promise of protection. अब कोई भी छोटे से छोटा स्टेट है, कंट्री है, वो USA या USSR में क्यों शामिल होगा? Because they will get the protection. They will get the assurity of protection, weapons and economic aid against their local rivals. Mostly regional neighbors. And why did, in the same way, why did Pakistan go with USA? Simple reason, because they will get protection from India. India किसी भी situation में या किसी भी समय पाकिस्तान पर attack करता था या किया, so there was always Pakistan got support from USA. So economic aid and aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into the two camps. Whole world was getting divided in two parts. USA के साइड
पूरा एरिया वेस्ट साइड बन गया एंड रशिया की साइड पूरा एरिया यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था. सो दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप. मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप. सेम कि यूएस के साइड के आसपास जो कंट्री थी वेस्टर्न यूरोप पूरा का पूरा यूएसए के साथ चला गया और इधर ईस्टर्न यूरोप पूरा का पूरा सोवियत में शामिल हो गया. डैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एलियंसेस. तो वेस्टर्न साइड वाला पूरा पूरा वेस्टर्न एलियंस कहलाता और ईस्टर्न साइड वाला ईस्टर्न एलियंस कहलाता. आप देख लीजिए ये येल्लो वाला पार्ट है यूरोप का. येल्लो वाला पार्ट जो है वो पूरा किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं नेटो. तो नेटो हम देखेंगे, नेटो होता क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस था. ठीक है, 13 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच में इन 1949. तो ये नेटो बनाया. और ये रेड वाला है जो, वो क्या है? वॉर्सो पैक्ट. वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया? रशिया ने, जो यूएसएसआर की सभी कंट्रीज को मिला करके बनाया गया. सो वेस्टर्न वाला यूएसए वाला जो था उसके मेंबर्स थे, नेटो के मेंबर्स थे, और ईस्टर्न साइड्स वाले जो रेड वाला पार्ट है वो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे. क्लियर? तो ये दो ग्रुप बटे हुए थे. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ये येलो वाला देखिए आप, येलो वाला पूरा का पूरा क्या है? ये नेटो है. एंड ये रेड वाला पूरा का पूरा वॉर्सो पैक्ट. ये फर्स्ट वर्ल्ड, येलो वाला फर्स्ट वर्ल्ड, ये सेकंड वर्ल्ड रेड वाला, एंड रिमेनिंग जो था ग्रीन वाला पार्ट वो थर्ड वर्ल्ड. फर्स्ट वर्ल्ड वाज ग्रुप ऑफ नेटो, सेकंड वर्ल्ड वाज ग्रुप ऑफ वॉर्सो पैक्ट, एंड थर्ड वर्ल्ड वाज ग्रुप ऑफ नेम. नॉन अलाइंड मूवमेंट हम देखेंगे आगे होता क्या है, किन किन कंट्रीज ने मिलके बनाया है नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो भी हम देखेंगे. सो द वेस्टर्न एलियंस वॉज फॉर्मलाइज इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस था. आपस में हेल्प मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए एक दूसरे का, इसलिए नेटो बनाया गया था. सो इसका मेन पर्पस क्या था? जो कि फॉर्मल अलियंस बिटवीन टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोप के बीच में ये अलियंस था. और इसका मेन पर्पस था नेटो का टू डिफेंड ईच अदर फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर नेशन. कि यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट नेशन है वो इन कंट्रीज को अपने अंडर ना ले ले, उसको रोकने के लिए नेटो बनाया गया था. So now we come to the line to line. The Western Alliance was formalized into an organization, North Atlantic Treaty Organization, NATO, which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states initially. बाद में जाके इसके members बढ़ गए, which declared that armed attack on any of them in Europe or
नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो यूएसएसआर जो है या रशिया, वो किसी भी कंट्री पे, इन नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड कि उन्होंने पूरे नेटो पे अटैक कर दिया है। तो ईच ऑफ दिस स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर। द वेस्टर्न एलियंस नोन एज वॉरसॉ पैक्ट वॉज लेड बाय सोवियत यूनियन। अब ईस्टर्न साइड में वॉरसॉ पैक्ट था जो हमने देखा था रेड वाला पार्ट ऊपर। अब वॉरसॉ पैक्ट क्या है, जो कि एक तरह से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। वॉरसॉ पैक्ट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कह लो, एक तरह का कॉपरेशन कह लो, आपस में म्यूचुअल असिस्टेंट कह लो, जो कि वॉरसॉ पैक्ट कहलाता था। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्री सोवियत यूनियन की, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी तो यूएसए के साथ थी नेटो में, ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के साथ थी, यूएसएसआर में थी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया, ये सभी कंट्रीज यूएसएसआर में थी, जो कि वॉरसॉ पैक्ट कहलाता था। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955 एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नेटो फोर्सेज इन यूरोप। तो नेटो को काउंटर करना है, और नेटो इसलिए बना ताकि वो वॉरसॉ को काउंटर कर सके, वॉरसॉ पैक्ट को काउंटर कर सके, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है उसको काउंटर कर सके। इंटरनेशनल एलियंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर्स एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट। एज नोटेड अबव, यूरोप बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। इन सम एरिया सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर्स टू ब्रिंग कंट्रीज इन टू देयर रेस्पेक्टिव एलियंसेस। तो एरेना क्या है, एरिया। यूरोप बिकेम द मेन एरेना, एरेना इज वॉट, एरिया किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। क्यों भाई, हाफ कंट्रीज तो यूएसए के साथ चली गई नेटो में, हाफ कंट्रीज रशिया के साथ चली गई वॉरसॉ पैक्ट में। तो इनका जितना भी एरियाज थे, जो भी कंट्रीज थी, तो सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रेस्पेक्टिव एलियंसेस। एंड सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एज एन एग्जाम्पल। सोवियत क्यों इन्वॉल्व हुआ ईस्ट यूरोप में, ताकि उनको अपने अंदर ले सके। द सोवियत यूनियन यूज इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन टू एंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इन इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन एलियंस सिस्टम कॉल्ड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिएटो। किसने बनाया सिएटो, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट मिडल ईस्ट और यूएसए सब ने मिल करके सिएटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नेटो बनाया वैसे सिएटो बना। अब सिएटो में कौन कौन कंट्रीज इंक्लूडेड थी, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज एंड ईस्ट की कंट्रीज। फिर वैसे ही एक सेंटो बना। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रेस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ कौन कंट्रीज इंक्लूडेड थी, रशिया के साथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, ये कंट्रीज शामिल थी।
कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इंटू टू एलियंसेस. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पार्स सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस. एग्जाम्पल, इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में, तो जैसे ही फ्रीडम मिला है, अभी तो थोड़े दिन पहले ही आज़ाद हुए 1947 में, और फिर उसके बाद ये नेटो बन गया, उसके बाद वॉर्सो पैक्ट बन गया, तो वापस से किसी ना किसी और कंट्री के अंडर में आ जाएंगे. तो एक सभी कंट्रीज़ में जो अभी रिसेंटली ही ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के ब्रिटिशर्स हो, फ्रेंच हो या पोर्चुगीज़ हो, उनसे जल्द ही अभी ही फ्रीडम मिली है, तो वापस से वॉर्सो पैक्ट या नेटो में आ गए, तो फिर से वापस बन जाएंगे उन कंट्रीज़ के अंडर में. तो क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द एलियंसेज वर क्विक टू अपीयर. कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विद यूएसएसआर टूवर्ड्स द लेट 1950s एंड 1969. दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट. द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज नॉन अलाइन मूवमेंट. अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. जो अपन थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉज नेटो, सेकेंड वर्ल्ड वॉज ग्रुप ऑफ वॉर्सो पैक्ट, एंड थर्ड जो कंट्रीज जिनको अभी रिसेंटली फ्रीडम मिली है, उन कंट्रीज का ग्रुप था पूरा नैम का, नॉन अलाइन मूवमेंट, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द एलियंसेस से बाहर रहने का एक तरह का मौका मिला, एक तरह का हेल्प मिली नेम के थ्रू. यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर नीडेड एनी एलीज. आफ्टर ऑल विद देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड रेगुलर आर्मीज दे वर सो पावरफुल दैट द कम्बाइंड पावर ऑफ मोस्ट ऑफ स्मॉलर स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका एंड इवन यूरोप वॉज नॉट मैच टू डेट ऑफ सुपर पावर्स. बिल्कुल ठीक बात है कि यूएसए तो बहुत पावरफुल था, रिसोर्सेज में भी फुलफिल था, उसके उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, सब कुछ था. देन वॉट वॉज द इशू कि उन्हें और एलियंसेस की आवश्यकता पड़ी. द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू. उनको क्या हेल्प मिलती? रशिया ने एक और छोटी छोटी कंट्रीज़ को क्यों शामिल किया? रोमानिया को क्यों शामिल किया? हंगरी, पोलैंड, अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ऐसी कंट्रीज़ को क्यों शामिल किया? बिकॉज ऑफ देयर वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स की वजह से दे इंक्लूडेड स्मॉलर कंट्रीज बिकॉज दे आर हैविंग इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ऑयल्स एंड मिनरल्स, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च their weapons and troops. Definitely. Example, रशिया को क्यूबा की क्यों आवश्यकता पड़ गई? वो तो छोटी सी कंट्री थी. बिकॉज क्यूबा पहले जस्ट नियर बाय था यूएसए के, एंड सेकेंडली नियर बाय होते हुए उस लैंड को, क्यूबा की लैंड को रशिया कैन यूज एज देयर मिलिट्री बेस. सो इट कैन प्ले, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो छोटी कंट्रीज हो, उनकी लैंड तो लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप को लॉन्च करने के लिए यूज की जा सकती है. लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर देख रेख की जा सकती है, आँख रखी जा सकती है कि कौन कंट्री क्या कर रही है. तो इकोनॉमिक सपोर्ट इन डैट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस. यस भाई, बर्डन एक कंट्री पे पड़े और बहुत सारी एलियंसेस होने से बर्डन सब पे पड़े, तो बर्डन इतना नहीं रहता है. एग्जांपल, किसी भी फैमिली में वन अर्नर हो, एक अर्न करने वाला हो, और एक फैमिली थी जिसमें
पांच मेंबर हैं और एक अर्न कर रहा है, एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स हैं और थ्री लोग अर्न कर रहे हैं, तो बर्डन कम पड़ता है। सेम वे अलायंसेस हेल्प कर रहे थे ताकि इकोनॉमिक सपोर्ट मिले सभी कंट्रीज को, स्पेशली वेस्ट साइड में यूएसए को और ईस्ट साइड में रशिया को। देवर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स, द लॉयल्टी ऑफ एली सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल, डैट बिल्कुल ये वॉर ऑफ आइडिया ही था और क्या था, आइडियाज एंड आइडियोलॉजी यही तो था और क्या था, पूरा का पूरा कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी पे था डिपेंडेंट। सो डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा, तो यही तो थॉट चल रहा था, द डेमोक्रेसी या जो कैपिटलिज्म था यूएसए में वो बोल रहा था भाई हम कम्युनिज्म से बेटर हैं, और कम्युनिज्म वाला जो था वो बोल रहा था हम कैपिटलिज्म से बेटर हैं। तो ये फाइट चल रही थी दोनों तरफ, ये पूरा एक हमने सिनेरियो देख लिया। अब उसके बाद आता है टॉपिक, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ले लो 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ब्रेक, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, पहला वाला क्लियर हो गया, ईस्ट साइड में वॉर्सो पैक्ट, वेस्ट साइड में नेटो, थर्ड जो वर्ल्ड था, फर्स्ट वर्ल्ड नेटो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर्सो पैक्ट एंड थर्ड पैक्ट, थर्ड वर्ल्ड जो कि नैम। फिर कौन कौन सी एरिनास एरियाज ऑफ द कोल्ड वॉर थे, जैसे द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगेन दिस चैप्टर विद वॉज ओनली वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस डेट अकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उसके बाद भी बहुत सारी फील्ड बहुत सारे हुए, कोरिया वॉर हुआ, बर्लिन वॉर हुआ, कोंगो वॉर हुआ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स हुए। हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्मॉल रूप में हम ये कोरिया वॉर, बर्लिन एंड कोंगो भी देख लेंगे। द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दिस क्राइसिस और एंड वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। सो एक अच्छा कोल्ड वॉर से ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, वो कोल्ड वॉर ही बन के रह गया, डायरेक्ट वॉर नहीं बन पाया। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। अब देखो नॉर्थ कोरिया, कोरिया दो में डिवाइड है अभी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किसका मिल रहा था, रशिया एंड चाइना का, वेयर इज इन साउथ कोरिया को यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था। तो ये था क्या, तो कोरियन वॉर जो था दो कंट्रीज में था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 1950 में। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, जाके साउथ कोरिया में इन्वेड कर लिया, घुस गया अंदर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। एंड सोवियत यूनियन जो था एंड यूनाइटेड स्टेट्स लिबरेटेड कोरिया फ्रॉम इम्पेरियल जापानीज कॉलोनियल कंट्रोल ऑन 15 अगस्त 1945, कि जापानीज के कंट्रोल से छुड़ाया, किसको छुड़ाया, दोनों कोरिया को। सो इस तरह से ये कोरियन वॉर हुआ, ठीक है। फिर एक बर्लिन जो कि 1958 से 1961 चला। सोवियत प्रीमियर जो कि निकिता खुर्शेव, उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की और उन्हें डिमांड किया दैट द वेस्टर्न पावर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस पुल देयर फोर्सेस आउट ऑफ वेस्ट बर्लिन विद इन 6 मंथ्स। तो ऐसे उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उसे कह दिया कि उसे फ्री कंट्री बना दिया जाए, उसे डीमिलिटराइज कर दिया जाए। एंड सोवियत यूनियन विड्रू इट्स डेडलाइन इन मई 1959। सो ये बर्लिन का सिचुएशन था। देन कम्स कोंगो अर्ली 1960s।
सो कोंगो क्राइसिस जो था कि एक पॉलिटिकल अपहेवल एंड कॉन्फ्लिक्ट इन रिपब्लिक ऑफ द कोंगो बिटवीन 1960s एंड 1965. क्राइसिस बिगेन ऑलमोस्ट इमिडिएटली आफ्टर द कोंगो बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम, कहाँ से, किससे आज़ाद हुआ, बेल्जियम से. अनऑफिशियली विद द एंटायर कंट्री अंडर द रूल ऑफ जोसेफ डिजायर. सो एक तरह का नेशनलिस्ट मूवमेंट था एंड डिमांडेड द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल. दिस लेड टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस. ऑन 30 जून 1960 में कॉन्गो भी आज़ाद हो गया. सो एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस इस तरह से छोटे छोटे वॉर्स चलते रहे. क्राइसिस डिपेंड एज नाइदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन. वैन वी टॉक अबाउट द एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, वी रेफर देयर फोर टू एरेनास एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन द एलियंस सिस्टम बट डिड नॉट एक्सेस सर्टेन लिमिट्स. अ ग्रेट मैनी लाइफ्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज एरेनास, लाइक कोरिया में, वियतनाम एंड अफगानिस्तान में बहुत सी लाइफ को अफेक्ट हुआ, बहुत सी जाने गई. वर्ल्ड वॉर स्पेयर्ड एंड न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज. इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्ड अप्स वर रिपोर्टेड. इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग्स. सो ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसके बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन चले सुपर पावर्स में एंड कुड नॉट बी सस्टेन्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी उसको फुलफिल नहीं की जा सकी. मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं की जा सकी दोनों सुपर पावर्स में. समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल द नॉन अलाइंग कंट्रीज प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस. जैसे जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ नैम, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू कोरियाज. एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ साउथ कोरिया, दोनों को मीडिएटर के रूप में काम किया जवाहरलाल नेहरू ने. इन द कोंगो क्राइसिस यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ मिलिटरी रोल. बाय एंड लार्ज इट वॉज अ रियलाइजेशन ऑन ए सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड. फिर दोनों कंट्रीज जो थी, यूएसए एंड दूसरी तरफ रशिया, दोनों ने डिसाइड किया. एक रियलाइजेशन हुआ दोनों को, आत्मज्ञान हुआ, एनलाइटनमेंट आया. क्या क्या एनलाइटनमेंट आया कि भाई फाइट हो गई, लड़ाई वड़ाई हो गई, तो अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया किसी ने भी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. इससे बढ़िया है न्यूक्लियर वेपन वेपन छोड़ो. अगर फाइट वाइट हो, थोड़ा बहुत कश्मकश चलेगा चलेगा, लेकिन फाइट नहीं होनी चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए. ये रियलाइजेशन सब में आया. डैट मेड दैम एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रेस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर्स एज अ कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम एन वन एरेना टू अनदर. द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट. हाउएवर सिंस द कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरीज बिटवीन द टू एलियंस. ठीक है, राइवलरी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एट लीस्ट ह्यूमैनिटी तो बची रही. वॉर तो नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, बस और क्या चाहिए था. म्यूचुअल सस्पिशंस चलते रहे, आर्म
led them to arm themselves to the teeth and constantly prepare for war. Huge stock of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. So, सभी कंट्रीज के पास थाउजेंड्स न्यूक थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे. तो न्यूक्लियर वेपन्स तो थे एक तरह से, अगर एक कंट्री न्यूक छोड़ती है तो दूसरी कंट्री अपने आप छोड़ देगी. ये दोनों कंट्रीज में था, एक तरह का डर का माहौल बना हुआ था. और उन सब ने न्यूक्स संभाल के रखे हुए थे, इकट्ठे किए हुए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे. फिर द टू साइड्स मिस अंडरस्टूड डैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट. शायद वॉर हो जाए. आइदर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजिशन ऑफ द अदर साइड. दे माइट मिस अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अदर साइड. और क्या पता फाइट हो जाए, वॉर हो जाए. तो देर वॉज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और गलती से न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी होता है तो उसको वॉर समझ लिया जाए. वॉट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, और इफ अ सोल्जर मिसचीवियसली शॉट ऑफ ए वेपन डेलिबरेटली टू स्टार्ट अ वॉर. गलती से एक सोल्जर चला दे, दूसरे सोल्जर को मार दे, रशिया का यूएसए वाले को मार दे या यूएसए वाला रशिया को मार दे, तो क्या होता है, वॉर की शुरुआत हो जाए. वॉट इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन. से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, दूसरी कंट्री तो ये समझेगी कि यूएसए ने वॉर कर लिया, या अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन गलती से छोड़ देता है तो यूएसए तो यही समझेगा कि वॉर हो गया, अटैक कर दिया दूसरी कंट्री ने. हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड नॉट एन एक्ट ऑफ सबोटेज ऑफ द एनिमी that a missile had not landed from other side. So sabotage क्या होता है, एक deliberately चला करके कोई action लेना, वो sabotage कहलाता है. फिर एक बार ये टाइमलाइन देख लेते हैं, कोल्ड वॉर टाइमलाइन. 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेमिनेंट ऑफ कम्युनिज्म. ये पूरा नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. 1947-52 मार्शल प्लान यूएस एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मार्शल प्लान लाया गया. 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड by the Soviet and the airlift of supplies to the citizens of West Berlin by the US and its allies. 1953 mein Korean War hua. 1954 mein defeat of the French by the Vietnamese at Dien Bien Phu, signing of the Geneva Accords, division of Vietnam along the 17th parallel formation of Seattle. तो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की जो मिडल वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं, 17th parallel line बोलते हैं. जैसे इंडिया एंड श्रीलंका में की बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वैसे ही नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम की मिडल वाली लाइन को जो उनको डिवाइड करती है उसको 70th पैरेलल बोलते हैं, 17th पैरेलल बोलते हैं. 1954-75 अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम. तो अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, इंटरवीन किया वियतनाम में. साइनिंग of the Baghdad Pact later CENTO 1955 mein, 1956 mein Soviet intervention in Hungary mein Soviet ne intervention kiya. 1960 mein US sponsored Bay of Pigs invasion of Cuba, construction of the Berlin Wall hua. 1962 mein Cuban Missile Crisis hua. 65 American intervention of Dominican Republic. 1968 mein Soviet intervention in Czechoslovakia. 1972 mein US President Richard Nixon visit to चाइना. 78-79 में वियतनाम विद इंटरवेंशन इन कंबोडिया. 79-89 में सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान. 85 में गॉर्शे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, बिगेन्स द रिफॉर्म प्रोसेस. 89 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, गिरा दी गई फाइनली. मोस्ट मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप. 1990 में
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जर्मनी वापस से एक कंट्री बना, ओके, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, जो वॉल था वॉल गिरा दी गई, बीच में जो वॉल थी वॉल गिरा दी गई और दोनों यूनाइट हो गए फाइनली 1990 में। एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा इन 1991 में, पूरा कोल्ड वॉर हो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। ये पूरा एक सीक्वेंस था। कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टून देखिएगा समझिएगा क्या कार्टून क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक कार्टून तो आता ही आता है, हर साल आता है बोर्ड में, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, आपका एग्ज़ाम देंगे उस पे भी आएंगे। ओके कौन सा कार्टून क्या कह रहा है ये अच्छे से समझने की कोशिश करना, हर एक का कुछ भी रखा हुआ तो उसका मीन है। सो इन टाइम देयर फॉर द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल स्टार्टिंग इन 1960s 1960 द टू साइड्स साइन थ्री सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स साइन किए गए, दीज वर लिमिटेड लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकेगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी। सो था क्या ये, पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज ने साइन किया एक्सेप्ट इज़राइल, इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान को छोड़ के मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इस एनपीटी को साइन किया हुआ है। तो एनपीटी था क्या, सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिसमें सब लोग एग्री करते हैं टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एंड द एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स इन एक्सचेंज एग्री टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर इसको साइन करते हैं एनपीटी को तो हम केवल न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स केवल पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखेंगे, वेपन नहीं रहेगा, न्यूक्लियर को केवल हम टेक्नोलॉजी बेसिस पे यूज़ करेंगे। ये एनपीटी का मेन रोल था जिसमें बहुत सी कंट्री ने साइन किया हुआ है लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है। एंड टू परस्यू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, और जो न्यूक्लियर वेपन्स जिस कंट्री के पास हैं जिसने भी साइन किया है, इट हैज़ टू डिसआर्म द न्यूक्लियर वेपन्स एट द अल्टीमेट एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर एर्सेनल्स को, और न्यूक्लियर वेपन्स को फाइनली रिमूव करना होगा। ये एनपीटी का मेन कॉन्सेप्ट था। साथ में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, देयर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एंड साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म्स। तो बहुत सारी ट्रीटीज बनी जो कि एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके साथ साथ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये सब बहुत सारी ट्रीटीज़ की गई ऑल ओवर वर्ल्ड ताकि पीसफुल एनवायरनमेंट रखा जा सके पूरे वर्ल्ड का। सो यहाँ पर अपने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा सुनिएगा समझिएगा, और हर एक स्टूडेंट मुझे एक एक वीडियो बना करके भेजिएगा, कोई भी एक टॉपिक, दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक ले लीजिएगा, फिर मुझे वीडियो बना के भेजिएगा। डेट इज़ ओनली योर होमवर्क। ओके सो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।